सोलन व्यापार मंडल में उठे विद्रोह को शांत करने के लिए व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। व्यापार मंडल की अध्यक्षता करते हुए मुकेश गुप्ता ने कहा कि कुछ लोग व्यापार मंडल की एकता को भंग कर उसे कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन व्यापार मंडल सोलन उन्हें उनके मंसूबों में किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नगर परिषद के चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा सका, जिसे व्यापार मंडल में भी हार का सामना करना पड़ा, वह व्यक्ति अपने आप को आज व्यापार मंडल का चेयरमैन घोषित कर रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल शहरवासियों की सेवा के लिए बनाया गया है, न कि अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। इसलिए उन्होंने व्यापारियों से आह्वान किया कि वे ऐसे व्यक्ति के बहकावे में ना आए, और कुछ व्यापारी उनके बहकावे में आए थे, वे आज वापस लौट आए हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि व्यापार मंडल के चुनावों में हार चुका व्यक्ति अब अन्य हारे हुए व्यापारियों की बैसाखियों के सहारे चेयरमैन बनना चाहता है और लगातार चेयरमैन बनने की खट लगाए हुए है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोलन का व्यापार मंडल 50 वर्षों से मजबूती के साथ काम कर रहा है, जिसकी मजबूती को तोड़ने की साजिश कुछ व्यापारियों द्वारा की जा रही है, जिन्हें किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। चंद कुछ लोगों ने व्यापार मंडल सोलन को मजबूती को, क्योंकि पिछले 50 सालों से सोलन में बनी है, सोलन व्यापार मंडल हिमाचल का सबसे बड़ा व्यापार मंडल है, उसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहेंगे। बालहट होती है नहीं, वैसे ही मुझे एक बालहट लग रही है कि मेरे पास हाथी है, इसको गड्ढे में घुसाओ, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। अब ना तो हाथी घड़े में घुस सकता है, बालहट पूरी नहीं हो सकती, ना हारे हुए को हम चेयरमैन बना सकते हैं, वो हमारे संविधान में भी नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति व्यापारियों के लिए सेवा भाग रखता है और व्यापारी हित की बात करता है और व्यापारियों के लिए काम करना चाहता है, तो वो पद की लालसा ना करके वो हमारे साथ में आए और मिलकर व्यापारियों के हित की बात करे।